हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूँ वेदवन और उसका नियस्ट मेट्रो स्टेशन है नोएडा 101। वहाँ से आपको ई रिक्शा भी मिल जाएगा, आपसे 10-20 रुपए लेगा, आपको छोड़ देगा, 1-2 किलोमीटर की दूरी आप पहुंच जाओगे। सो भाई चलते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, आगे की अपडेट मैं वहाँ पे देता हूँ आपको। और जो 9 से 12 वाला वो फ्री है, अगर आप शाम को आओगे तो उसमें आपको टिकट प्राइस इंक्लूड होगी, आपको टिकट देनी होगी तभी आपकी एंट्री होगी। वैसे सुबह वाला है वो फ्री है बिल्कुल और शाम वाला पेड है। सो गाइस, अगर सर्दियों में इसकी टाइमिंग होती है 4:30 बजे से खुलता है शाम को, सर्दियों में, गर्मियों में, अगर सर्दियों में खुलता है 4 बजे। सो गाइस देख सकते हो कि ये वेदवन पार्क अभी बंद है, लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये बिल्डिंग से मतलब कि यहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएगा। ये देख सकते हो, ये ई रिक्शा आ रहा है 10-20 रुपए में, आपको छोड़ देगा यहाँ पे। सो गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये टाइमिंग लिखी पड़ी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप पूरा देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट लेने लगा अगर आपको टाइमिंग देखनी है। लग रहा है बाहर रुक के अभी बोर हो रहे हो? हाँ, बोर हो रहे। और बोलो। जितने से इतने लोगों को पता भी नहीं था मेरी तरह, हमारी तरह कि इन्हें भी आना, क्योंकि ये पहले ऐसी टाइमिंग नहीं थी। जब ये नया नया खुला था तो पहले पूरा दिन खुलता था। सो गाइस आप देख सकते हो कि टिकट की लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे, ये देख सकते हो। सो गाइस देख सकते हो कि ये टिकट प्राइस हमने ले लिया 20 रुपए की पर पर्सन टिकट है। यहाँ पे बच्चों की 10 रुपए है और बड़ों की, अडल्ट की 20 रुपए टिकट है। सो गाइस आप देख सकते हो कि टिकट है। सो गाइस हमने एंट्री मार ली है, गाइस आप देख सकते हो हमने एंट्री मार ली है और हम यहाँ पे घुस चुके हैं, और जो उसकी टिकट पड़ी है वो 20 रुपए है पर पर्सन, बच्चों की 10 रुपए। गाइस आप देख सकते हो हमारे साथ, ये भी कैसा लग रहा है आपको घुस के? बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे भी हमारे साथ है, देख सकते हो, और फूफा जी भी हमारे साथ ही है। हेलो कैसे? तो गाइस चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे आसपास क्या क्या है, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, जब आप एंट्री करोगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा यहाँ पे। सो गाइस ये देख सकते हो जॉगिंग ट्रैक है, और ये कितना अच्छा गार्डन बना रखा है आप देख सकते हो, और ये यहाँ पे ये सब है। सो गाइस देख सकते हो कितना अच्छा यहाँ पे ये चीज बना रखा है एकदम, इसे क्या बोलेंगे। सो गाइस अगर धूप से बचने के लिए ये बना रखा है, जैसे कि ज्यादा गर्मी पड़ती है तो बहुत सारी धूप बड़ी तगड़ी होती है, तो ये उसके लिए बना रखा है। और सो गाइस ये देख सकते हो किताबें हैं। सो गाइस जो हमारे वेद होते हैं ये इसके बारे में बता रखा है, इसमें लिखा है वेद, ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये सामवेद है, ये अथर्ववेद है, देख सकते हो गाइस। और यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, मैंने ये पक में पढ़ाई से तो गाइस में लिख रखा है डू नॉट टच द सीट एंड स्कल्पचर्स को, मतलब इन्हें छूना मना है, तो फाइन भी लग सकता है, तो प्लीज अगर आप आना तो यहाँ पे इन्हें टच मत करना। तो गाइस यह ऋषि अगस्त गाथा, ये मतलब इनका ये स्टैचू है और दिखा रखा है महर्षि अगस्त एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे, महर्षि को मतलब कि ये सब पढ़ लेना आप स्क्रीनशॉट लेके। और देख सकते हो पानी भी आ रहा है पूरा, और देख सकते हो लेकिन फाउंटेन अभी चल नहीं रहा है, रात को तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन रात को तो हम साथ चले भी जाएंगे एक। सो गाइस मैं एक दिन रात को भी आके वीडियो बनाऊंगा, एक दिन मैं आपको रात को भी दिखाऊंगा वीडियो की रात को कैसा लगता है यहाँ पे, मैं एक बार और आऊंगा रात को यहाँ पे, बहुत जल्द आपको यहाँ पे रात की भी ब्लॉग देखने को मिलेगी। देख सकते हो ये फाउंटेन है, ये कितना अच्छा ये बना रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो, और ये आराध्या भी है। हेलो कह दो माया, हेलो कह दो, ये देखो ये जब से रोए जा रही है, जो हमारे साथ है वो फोटो खिंचाए जा रहे हैं। आराध्या है, इसे आपने पहले भी देखा होगा, बहुत पहले एक 15 अगस्त की ब्लॉग बनाई थी, उसमें मैं तो छोटी थी लेकिन, और ये हमारा इसकी छोटी बहन,
तो गाइस यहाँ पे आप फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ और किसी के भी साथ आओ, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे घूमने लायक, बहुत अच्छी जगह है। फैमिली के साथ आओ, फ्रेंड्स के साथ आओ। मैं तो अपनी बुआ और उनकी फैमिली के साथ आया हूँ, काफी बढ़िया लग रहा है यहाँ पे घूमने के लिए, आप भी जरूर आओ। सो गाइस बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे घूमने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे झूला भी है, अभी मैं आपको वहाँ उस तरफ झूला है, उस तरफ है झूला है, मैं आपको वहाँ पे जा करके दिखाऊंगा आपको। झूला भी है, बहुत सही है। और राधा इधर आ, और ये राधा भी है। राधा कुछ कहो यार मेरे ऑडियंस को, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोलो लाइक करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बेल आइकन भी ऑन कर देना। और ये उसकी छोटी बहन है, आपका मैसेज गिरी के राधा। तो देख सकते हो कितना अच्छा स्टील का हॉर्स का घोड़ा बना पड़ा है। और ये अमाया भी जा रही है, अमाया राध्या, ये अमाया है। तो भाई देख सकते हो स्टील का घोड़ा है, लेकिन इसमें लिखा रखा है डू नॉट टच स्कल्पचर, मतलब इसे छूना मना है। शायद तो छू सकते, फाइन भी लग सकता है, आपकी अपनी गारंटी पे छूना। आप देख सकते हो यहाँ पे जॉगिंग भी कर सकते हो आप यहाँ, मतलब कि यहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने भी आते हैं, ये एक्सरसाइज करने भी आते हैं, ये भी एक्सरसाइज कर रही है और ये हमारा भी कर रही है। तो गाइस यहाँ पे आप बैठ भी सकते हो, यहाँ पे बैठने के लिए भी काफी अच्छी जगह बना रखी है। भाई राय तो ले, और इनकी राय बताइए आप कुछ, और कुछ राय बताइए, दिखा तो सही मेरे को तो दिखा। सो गाइस एक बात और कि मैं चश्मा लाना भी अपना भूल चुका था, असल में मैं चश्मा लाया ही नहीं, क्योंकि एक खाली डब्बा मैंने रख लिया, मुझे लगा कि उसमें चश्मा था लेकिन उसमें चश्मा है ही नहीं। सो गाइस ये देख सकते हो, ये जो है ये जिसमें आपको छोटे बच्चों की पुतले देखने को मिल रहे हैं, असल में ये गुरुकुल है और इसमें लिखा हुआ है गुरुकुल। इसमें लिखा गुरुकुल हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, जहाँ सभी एक को एक साथ निःशुल्क के समान शिक्षा दी जाती थी, मतलब कि सबको पहले के गुरुकुल में एकदम ज्ञान वाद, लेकिन अब के में क्या होता है कि अब तो शिक्षा एक बिजनेस बन चुका है, लेकिन पहले एकदम शिक्षा जितना कहते थे बांटने से बढ़ती है, तो बांटने से बढ़ रही है। और इसमें ये गुरुकुल के बारे में सब दे रखा है और यहाँ पे गुरुकुल दिखा रखा है और वो ऋषि मुनि है। तो गाइस देख सकते हो कि ये जो टीचर हैं और ये स्टूडेंट्स हैं और ये टीचर हैं, मतलब पहले के ज़माने में स्कूल में ऐसे ही पढ़ाई होती थी, मतलब कि ये सब, मतलब कि ये सारे विद्यार्थी हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। तो गाइस देख सकते हो कि ये जो टीचर हैं और ये स्टूडेंट्स हैं और ये टीचर हैं, मतलब पहले के ज़माने में स्कूल में ऐसे ही पढ़ाई होती थी, मतलब कि ये सब, मतलब कि ये सारे विद्यार्थी हैं जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए। और अपनी कुछ राय दीजिए आप। मेरी तो राय है खाली एक ही, ऐश्वर्या राय। काफी मजाक है हमारे फूफा जी भी। पहली बार मिल रहे होंगे, पहली बार और आखिरी बार नहीं भाई। अभिषेक बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाता है, इसके साथ बहुत मजा आता है, बहुत कॉमेडी करता है ब्लॉग में, सबको जरूर देखना चाहिए। जिसका मन डिप्रेस हो इसका वीडियो देखो, खुशी हंसी के मारे पागल हो जाएगा। हाँ जरूर देखा करो मेरी ब्लॉग, आपको अच्छी अच्छी जगह दिखाता रहता। लाइक बढ़ाओ, रिव्यू बढ़ाओ, कमेंट करो, शेयर करो, बस। और सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे भी आप फोटो शूट करा सकते हो, बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे भी देख सकते हो, एकदम घूम सकते हो अच्छे से यहाँ पे। ये यहाँ पे ऐसे चढ़ के भी आप आराम से खींचा सकते हो, स्लोप टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे हम चढ़े जा रहा हूँ देख सकते हो, चढ़े जा रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा हूँ, आप कर ऐसे आप करते और यहाँ पे हम चढ़ चुके हैं, पीछे नीचे से देख सकते हो। तो गाइस हम थक गए हैं तो बैठ गए हैं यहाँ पे, ये हमारा भी है, हम सब बैठ गए हैं यहाँ पे, हेलो, हम सब एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस आप देख सकते हो कितने लोग आए जा रहे हैं यहाँ पे, काफी अच्छी जगह है, देख सकते हो कितने लोग आ रहे हैं, मतलब कि ये जो है एक तरीके से यहाँ पे कंसल्ट हो सकता है, यहाँ पे मतलब जो कौंसिल परफॉर्म करने वाला है वहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे सब ऑडियंस है, यहाँ पे बैठ कर आराम से लुफ्त उठा सकती है, मजा उठा सकती है। यहाँ पे लोग रील्स भी काफ़ी रील्स भी बनाते हैं, इंस्टाग्राम रील्स बनाते हैं, लेकिन मैं तो ब्लॉग बना रहा हूँ, रील्स तो खैर मैं बनाता नहीं।
देख रख सो गाइस देख सकते हो कितने सारे लोग अभी भी लोग आए जा रहे हैं मतलब कि यहाँ पे लोग रात 9 बजे तक आते रहेंगे। और शाम को तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाइटिंग शो भी होता है, मतलब कि ये जो ये देख सकते हो यहाँ पे लोग बैठे होते हैं लाइटिंग शो देखने के लिए, तो वहाँ पे लाइटिंग शो होता है, यहाँ पे सब आराम से लाइटिंग शो का लुत्फ उठाते रहते हैं। हमारे फूफा जी कुछ कहना चाहते हैं बताना, यहाँ पे कुछ कैसे कैसे लोग रील्स बनाते हैं? अच्छा अच्छा लोग फूफा जी कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे? बहुत सुंदर सुंदर लोग रील बना रहे हैं, सुंदर सुंदर लोग डांस कर रहे हैं यहाँ पे, मजेदार कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, घूमने जा रहे हैं हम गाइस, देख सकते हो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे हमें। ये पूरा फीस है, ये पूरा यहाँ पे। सो गाइस यहाँ भी देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है एकदम यहाँ पे, ये देख सकते हो वाटर कितना बढ़िया है वाटर। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस कितना बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हो हरी हरी घास, ये एकदम वाटर देख सकते हो गाइस, वाटर देख सकते हो गाइस, वाटर यहाँ पे है। तो गाइस आप देख सकते हो कि हैंडशेक का मॉडल है, ये दो हाथ है, ये नीचे वाला हाथ है, ऊपर वाला हाथ है। तो गाइस देख सकते हो फाउंटेन भी अभी अभी स्टार्ट हुआ है, फाउंटेन कितना अच्छा लग रहा है, फाउंटेन अभी अभी स्टार्ट हुआ है गाइस, आप देख सकते हो अभी अभी फाउंटेन स्टार्ट हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अभी अभी स्टार्ट हुआ है। तो गाइस अभी अभी फाउंटेन स्टार्ट हुआ है, कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी बौछारें आ रही है यहाँ पे देख सकते हो। राध्या भी फोटो ले रही है, अमाया भी ले रही है। तो गाइस आप देख सकते हो भीड़ यहाँ पे बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़ बढ़ती जा रही है। जब से फाउंटेन चालू हुआ तब से तो और भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि अब 2-3 घंटे बाद लाइटिंग शो चालू होने वाले, लेकिन मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं एक दिन लाइटिंग शो भी दिखवाने आऊँगा। सो गाइस मैं आपको एक दिन लाइटिंग शो भी दिखाने आऊँगा, रात को भी आऊँगा, रात को भी आएंगे तो यहाँ पर लाइटिंग शो बहुत अच्छा है, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा बहुत जल्दी, आपको वाली वीडियो भी चैनल पर देखने को मिलेगी आपको। सो गाइस जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। सो गाइस चलता हूँ, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और हम भी इनके साथ दिखते रहेंगे अब आपको भी ये भी। सो गाइस चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।